डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू थायरॉइड ग्लैंड, हाइपर थायरॉइडिज्म, hyperthyroidism is caused by excess secretion of thyroid hormone. It is caused by excess secretion of thyroid hormone. Thyroid hormone अगर excess secret होता है तो excess secretion of thyroid hormone, that is thyroxine, is called hyperthyroidism. क्या बोलेंगे हम इसे? hyperthyroidism. hyperthyroidism के symptoms देखेंगे हम. इसमें क्या होता है कि this increases sweating, flushing, heart rate, BMR rate, that is basal metabolic rate. BMR rate means basal metabolic rate. Rapid respiration, and bulging of eyeballs due to deposition of fat behind the eyeballs. So these are the effects of hyperthyroidism. Hyperthyroidism is caused by excess secretion of thyroid hormone, that is thyroxine. This increases sweating, flushing, heart rate, basal metabolic rate. It results in rapid respiration, that is fast respiration, and bulging of eyeballs. And it also affects various physiological activities of the body. So hyperthyroidism, that is excess secretion of thyroxine, is called hyperthyroidism. Hyperthyroidism always caused due to excess secretion of thyroid hormone. And when there is a excess secretion of thyroid hormone, there is increase in sweating, flushing, heart rate, BMR, that is basal metabolic rate. There is fast respiration or rapid respiration, bulging of eyeballs due to deposition of fat behind the eyeball. And this hyperthyroidism also affects various physiological activities, that is various functions of our body. Okay, so Graves' disease, that is exophthalmic goiter, is the example of hyperthyroidism. Graves' disease. That is exophthalmic goiter. Graves' disease means exophthalmic goiter. Exophthalmic goiter, that is Graves' disease. Graves' disease मतलब जब ये thyroid hormone excess secrete होता है, तो excess secrete होने से जो disease होता है, that disease is called Graves' disease or exophthalmic goiter. अब इसमें it is characterized by high BMR,
दैट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट. इसमें बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगा. इसके बाद बल्जिंग ऑफ आईबॉल, बल्जिंग ऑफ आईबॉल और प्रोट्रूडिंग आईबॉल, प्रोट्रूडिंग आईबॉल, इरिटेबिलिटी, देन वेट लॉस. ये सब किस में होगा? ग्रेव्स डिसीज में, मतलब एक्सोथैलेमिक गोइटर में. BMR रेट मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट हाई रहेगा. आईबॉल बल्जिंग होगी मतलब प्रोट्रूडिंग आईबॉल, जैसे ये आईबॉल है नॉर्मल, ये इस तरह से. तो जिसको ग्रेव्स डिसीज है मतलब एक्सोथैलेमिक गोइटर है, उसका थोड़ा सा ऐसे ज़्यादा बल्ज होगा. क्यों ऐसे बल्ज होगा? क्योंकि आईबॉल के पीछे फैट डिपॉजिट हो जाता है. तो आईबॉल के पीछे अगर फैट डिपॉजिट होता है तो ये जो आईबॉल है ये थोड़ा बल्ज हो जाता है, प्रोट्रूड हो जाता है, आगे निकल जाता है. सो ये किस में होता है? ये एक्सोथैलेमिक गोइटर में होता है. और इसको एक्सोथैलेमिक गोइटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि देयर इज अ स्लाइट एनलार्जमेंट, स्लाइट एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड. थायराइड में थोड़ा स्वेलिंग आ जाता है, स्लाइट एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड. इससे क्या होगा? अगर थायराइड ग्लैंड एनलार्ज होती है तो स्वेलिंग ऑफ नेक, नेक का जो वेंट्रल पोर्शन है, नेक का जो सामने वाला पोर्शन है, ये थोड़ा इस तरह से क्या हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगा वहाँ पर. क्यों? क्योंकि थायराइड ग्लैंड में स्लाइट एनलार्जमेंट हुआ है. समझ में आया? इसमें बॉडी वेट लॉस होगा, ये तो बता दिया मैंने. इसमें बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस. इसके बाद इसमें हार्ट रेट इंक्रीजेस, हार्ट रेट इंक्रीज होगा, रेस्पिरेशन रेट भी इंक्रीज होगा. हार्ट रेट इंक्रीज हो गया मतलब हार्ट बीट बढ़ेंगे, रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज होगा, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा. इरिटेबिलिटी मतलब वो चिड़चिड़ेपना आ जाएगा उसमें. वेट लॉस होगा एंड इंक्रीज इन फूड इनटेक, ये हो सकता है, इंक्रीज इन फूड इनटेक. भूख लगेगी उसको बार बार, लेकिन उसका वेट नहीं बढ़ेगा. क्यों? क्योंकि उसका जो मेटाबॉलिक रेट कैसा है उसका? फास्ट है. मेटाबॉलिक रेट क्यों फास्ट है? क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन उसके बॉडी में ज़्यादा है. समझ में आ रहा है आपको? इस तरह से होगा. अब इसके साथ ब्लड प्रेशर भी उसका हाई हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी. तो ये सब किस में होगा? ये सब किसके सिम्टम्स है? तो हाइपरथायरॉइडिज्म, दैट इज एक्सोथैलेमिक गोइटर.